Okay, today we will do another half chapter of the remaining reflexive pronouns. Now come to the second point. Reflexive pronouns are also used to emphasize that somebody does, did, or will do something alone or without any help or interference from anyone else. Yani wo banda khud kaam karega without the interference from anyone. Interference kya hoti hai? मुदाखलत. कोई और अगर इंटरफेयर करे ना, आप कहते हो कि मेरे मामलात में इंटरफेयर ना करें, और वैसे भी आपको भी नहीं करना चाहिए. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट यू शुड यू नो फोकस ऑन योर ओन वर्क एंड यू शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर्स इन देयर मैटर्स. अगर किसी का कोई मैटर है उसके अंदर आप इंटरफेयर ना करें. इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करना, किसी के काम के अंदर वैसे ही इंटरेस्ट लेना. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज टू एम्फसाइज दैट समबडी डज, डिड और विल डू समथिंग अलोन. अलोन का मतलब होता है अकेले कर रहा है, ठीक है, और विदाउट एनी हेल्प और इंटरफेरेंस एंड ऑफ एनीवन फ्रॉम एनीवन एल्स. नोट द यूज ऑफ द प्रेपोजिशन बाय इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स. द ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ. नाउ लुक एट दिस, ऑल बाय हिमसेल्फ, अलोन. अब हम ओल्ड मैन के लिए यूज कर रहे हैं. ओल्ड मैन लिव्ड इन दैट हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ. सो यू शुड रिमेंबर कि वो अलोन रह रहा है, उसके लिए हमने क्या यूज किया, ऑल बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ. ओल्ड मैन के लिए हिमसेल्फ. ओल्ड मैन इज अ मैन. ओल्ड मैन इज लिविंग इन अ हाउस ऑल बाय हिमसेल्फ. ऑल बाय हिमसेल्फ. ऑल बाय हिमसेल्फ इज यूज फॉर द ओल्ड मैन, इसलिए इसके लिए हिमसेल्फ का लफ्ज यूज किया. ओल्ड मैन इज लिविंग बाय हिम सेल्फ, इट मीन्स ही इज लिविंग अलोन. अलोन का मतलब है अकेले. आई सॉल्व द पजल बाय माई सेल्फ, यानी और किसी ने नहीं सॉल्व की बल्कि मैंने खुद सॉल्व की है. विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बडी एल्स, यानी हेल्प नहीं ली. विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी वन एल्स. द लिटिल गर्ल वॉज कैरिंग द हैवी बॉक्स ऑल बाय हर सेल्फ. हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को कि उसने खुद बैग उठाया हुआ था बिल्कुल अकेले, विदाउट एनी हेल्प. तो उसके लिए हम कहेंगे ऑल बाय हर सेल्फ. क्या कहेंगे? द लिटिल गर्ल वॉज कैरिंग द हैवी बॉक्स ऑल बाय हर सेल्फ, मीन्स शी वॉज नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी वन एल्स एंड शी वॉज कैरिंग द बैग बाय हर सेल्फ. नाउ come to the G point. The little girl was carrying the heavy box. Ye ho gaya. Reflexive pronouns are used after verbs with prepositions to make it clear which person or thing we are talking about. Aur ye kiske liye hote hain? Used after verbs. Kiske baad use hote hain? Verbs ke baad. Jaise ke solved. Ab look at this, with the preposition to make it clear which person or thing we are talking about. Isme ye pata chalta hai ki kaun sa banda ya kaun si cheez jo hai wo uske andar involve hai. Rahil is angry with himself. With himself, Rahil. Himself kiske liye use kiya hai? Rahil ke liye. Rahil ek ladka hai aur usne apne liye kya use kiya hai? Uske liye hum log kya use kar rahe hain? Himself. Yani Rahil ke sath angry hai. Rahil is angry with him. राहिल किसी और के साथ खफा है. समबडी अदर देन राहिल. अदर देन राहिल यानी ही इज नॉट राहिल. दिस हिम इज समवन डिफरेंट. राहिल इज एंग्री विद हिम. रमीज वॉज टॉकिंग टू हिम. समबडी अदर देन रमीज. अदर देन रमीज मीन्स ही इज नॉट रमीज, ही इज समवन एल्स. रमीज वॉज एंग्री विद him. Now this him is other than Ramiz, somebody other than Ramiz. Other than Ramiz का क्या मतलब हुआ? Ramiz नहीं है, वो कोई और है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. Not Ramiz. Ramiz was talking to him, somebody other than Ramiz. Ramiz was talking to himself, यानी Ramiz was talking to Ramiz. Okay. When it is clear which person we are talking about, a reflexive pronoun is not used. When we are sure about that which person we are talking about, a reflexive pronoun is not used. Hotels do not permit guests to keep their pets with them in their rooms. Hotel nahi na permit karte. Permit ka matlab hota hai ijazat dena. Permit ka kya matlab hota hai? Ijazat dena. Jaise aapki teacher sometimes she doesn't permit to go take the copy home. Sometimes she takes or collects the copy from the students and she doesn't want them to, or she doesn't permit them to take the copies home. It means permission se nikla hai. Kis se nikla hai?
परमिट किससे निकला है? पी ई आर एम आई टी, परमिट किससे निकला है? एम आई डबल एस आई यू एन, परमिशन से. ओके, परमिशन क्या होती है? इजाज़त. तो अगर आपको कोई परमिट नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा. होटल्स डू नॉट परमिट, होटल किस को परमिट नहीं करते? उन गेस्ट्स को, टू कीप देयर पेट्स विद देम इन देयर रूम्स, जो अपने पेट्स को साथ रखना चाहते हैं. पेट्स एनिमल्स को कहते हैं ना, जैसे कई लोग होते हैं उन्होंने कैट रखी हुई होती है, कई उन्हें रखा हुआ होता है ये पिजन वगैरह कोई रखा हुआ होता है, पिजन वैसे नहीं, पैरट रखा होता है या फिर और कोई एनिमल रखा होता है पेट, तो वो पेट नहीं लेके जाने देते. दे डोंट परमिट गेस्ट टू टेक और कीप देयर पेट्स विद देम इन देयर रूम्स. नोट दैट वी डू नॉट यूज देम सेल्व हेयर, फॉर इट इज़ क्लियर दैट देम कैन नॉट रेफर टू एनी बडी एल्स बट द गेस्ट देम देल्स देम सेल्व्स. अब क्या है कि देम कैन नॉट रेफर टू एनी बडी एल्स बट द गेस्ट देम सेल्व्स. अब ये देम सेल्व्स किसके लिए यूज हो रहा है? गेस्ट के लिए, टू कीप देयर पेट्स. देम सेल्व्स तो नहीं लिख सकते, बट द गेस्ट देम सेल्व्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नॉट यूजली यूज इन द केस ऑफ एक्शन दैट पीपल नॉर्मली डू टू देम सेल्व्स. उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होते जो नॉर्मली लोग अपने लिए बोलते हैं, लाइक वॉशिंग ड्रेसिंग. जैसे अब मैं कहूँ कि मैं नहाई हूँ खुद और मैं खुद मैंने ड्रेस अप किया अपने आप को, मैं ये नहीं कह सकती वी डू नॉट यूजुअली से आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड माई सेल्फ. इट इज़ रॉन्ग. ये क्या है? रॉन्ग. आई विल जस्ट से आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, ये ठीक है, दिस इज़ राइट, आई वॉश्ड एंड ड्रेस्ड. लेकिन अगर कोई बच्चा छोटा नहाया है और ख़ुद से उसने सब कुछ कर लिए, तो तब आप कह सकते हो वी सॉ दैट द चाइल्ड कुड बाथ एंड ड्रेस इट सेल्फ. ये जो इट सेल्फ है, बच्चे ने खुद नहाने के लिए, यानी हम कहते हैं वो बच्चा खुद नहाया है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे दैट द चाइल्ड कुड बाथ एंड ड्रेस इट सेल्फ. आप इंस्पायर होते हो ना कई दफ़ा किसी से कि उसके बच्चे खुद नहा लेते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहते हो? That his children could bath and dress themselves. अगर एक बच्चा है तो उसके लिए the child could bath and dress itself. Normally a child is bathed and dressed by someone else. कौन नहलाता है उनको? उनकी मदर नहलाती है. The use of the reflexive itself expresses surprise that the child could do all this without anybody's help. Anybody's help इनको इकट्ठा करके बोलने, because anybody और साथ में कॉमा लग के एस लिखा हुआ है, तो ये क्या बोलेंगे? Any bodies, without anybody's help. Okay. Normally, ये हो गया. The dog itself opened the door. Now we are emphasizing the dog itself opened the door and chased the postman down the road. Chase किया उसने किसको? Postman को. जब आप किसी के पीछे जाते हो, chase करते हो, तो उसको कहते हैं पीछे पीछे जाना. चेस्ड द पोस्टमैन डाउन द रोड. ओपनिंग अ डोर इज़ अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अ डॉग टू डू, एंड यू नो ओपनिंग द डोर इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर अ डॉग टू डू, बिकॉज डॉग डोंट हैव द यू नो हैंड्स एंड दे कैन नॉट कैरी समथिंग, दे कैन नॉट डू समथिंग बाय देमसेल्व्स. ऑब्वियसली द स्पीकर एज वेल एज द पोस्टमैन वॉज सरप्राइज्ड. ओके,